बागपत में बदमाश दिन दहाड़े पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। बागपत में ककड़ीपुर चेक पोस्ट के निकट शनिवार को बदमाशों ने बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने तमंचे के बल पर एक दंपत्ति से 6.5 लाख रुपए नगद, मोबाइल व सोने की चेन लूट कर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। मुजफ्फरनगर के तावली ग्राम निवासी फारूक की बागपत जिले के आसरा गाँव में ससुराल है। शनिवार दोपहर तकरीबन 1:30 बजे वह अपनी पत्नी शाहिना को बाइक पर लेकर ससुराल से ककड़ीपुर जाने वाले रास्ते से शामली जाने के लिए निकला था। यहां ईख के खेत से निकले 4-5 बदमाशों ने दंपति को रोक लिया और तमंचे के बल पर उनसे 6.5 लाख रुपए लूट लिए। दंपति के विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मारने की धमकी देते दंपति का मोबाइल व सोने की चेन भी लूट ली। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। पीड़ित दंपति ने पुलिस चौकी पहुंचकर वारदात की सूचना दी, जिस पर पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। वहीं दिन दहाड़े हुई इस बड़ी लूट से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस की टीम ने बदमाशों की काफी तलाश की लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग सका। पुलिस के अनुसार दंपति ने पूछताछ में बताया कि वे एक प्लॉट के बैनामे के लिए ये रकम लेकर जा रहे थे। फिलहाल पीड़ित और उसकी पत्नी से पूछताछ में मामला संदिग्ध नजर आ रहा है, जांच कर कार्यवाही की जाए। मुझे सुन दो भाई, पूरा मामला बता, पूरा क्या हुआ। तुम बता दो कैसे कैसे पैसे इकट्ठे हुए वो बताओ, पूरी चीज बताओ। मैं पैसे लेके वहां चला था जी बड़ौद के लिए, मैं था मेरी वाइफ और मेरा ससुर जी थे। तो रास्ते में फिर यहां धर्मवाड़ा मिल से आगे आए तभी उनका फोन आया कि वो चेक बुक लेकर आना के लिए साइन करवा के आगे जो मेरे साथ में। तो फिर मैं वहां से वापसी आगे से मोड़ के मैं ले गया तो मेरे ससुर जी बोले कि चेक बुक तो लिया, तुम दोनों ले आओ। तो उतर मैं उतरा नहीं, वहाँ से आगे बिठा लिया। तो हम वहाँ से फिर मोड़ के चले आगे, जो ककड़ीपुर का वो रास्ता है जो ठेका है उससे आगे मोड़ा है, वहाँ से थोड़ा सा आगे पहुँचे। तो इन्होंने फिर आबिद भाई साहब का फोन आया, कहा कि आके ला रहा बड़ोद, तू गांव तो नहीं पहुँचा। मैंने कहा नहीं, फिर तू यहाँ से वापसी आ जा, फिर हो सकता है कि वो मिले ना मिले, तू वापसी आ जा। तो मैं वहाँ से मोड़ कर वापसी जब चला तो यहीं में से वो निकले। इस टाइम जिन्ना का पूरा चादर से ढक रखा था जी, तैयार थे। अच्छा आप ही साथ हो गए? मेरी वाइफ थी। कहीं पर थे आप? बाइक पर थे जी। पैसे कितने ले रहे आप? 6.5 लाख। 6.5 लाख जिसमें 3,000 सऊदी रियाल थी। 3,000 तो आपने आते ही पैसे दे दिए? नहीं। और इन्होंने अचानक मारा था जी। कुछ मारा तो क्या मारा जी? पता ही नहीं चला बजनी चीज क्या मारी है इन्होंने। मैंने इतना कहाँ मारा? यहाँ भी और यहाँ भी मारा। देख कर कुछ नहीं, आपको क्या लगा है? नहीं जी पता ही तुमने कैसे मारा कि अंदर ही आएगी तो कुछ पता नहीं चला क्या मारा क्या नहीं। अच्छा फिर क्या हुआ जी? उसके बाद क्या हुआ जी? वो इंक में लेके थे उन्होंने मारा कि या तो मारेंगे या फिर से। अच्छा आपको रोड पे से इंक में लेके? हाँ। अच्छा कोई हथियार दिखाया उन्होंने? हथियार जी कुछ नहीं दिखाया था मुझे। तो फिर इन्होंने वो करा के वो कोट काट के वो दे दिया थे। हैं? मैंने फिर वो मेरा जैकेट था वो काट के दे दिया मुझे। कुछ नहीं देख लो। नहीं आप रोड पे से इंक में लेके? इंक भाई करीम में थी वो रोड। तो आपके भी कुछ वही थी जी ये चादर? चादर उठाना एक बार, चादर उठाना, चादर खोलो एक बार। मैं तो बहुत परेशान हो रही, बताती बताती मेरी तबीयत खराब हो लगी, जान लग रही। क्या हुआ, घटना क्या हुई? बस जी घटना तो यही हुई, हम बड़ो जा रहे थे प्लॉट ले नाम करवाना, तो उन्होंने अपने उसमें 6.5 लाख रुपए ले रखे थे। तो वे कितने लोग थे? बदमाश कौन थे? कितने थे? 4 थे वे। उन्होंने मुंह लपेट रखा। किस चीज से आए थे? मोटरसाइकिल से। किस रंग की मोटरसाइकिल? काले से रंग की थी जी। किस तरफ से आए थे? बड़ौद की तरफ से ही आए थे, उधर से ही। अब बताओ आगे। और फिर उधर ही चले गए। उधर कोई चले गए थे बड़ौद की तरफ? कोई पैसे किससे छीने उन्होंने? जी उनकी कोर्ट की जेब में थे। तो सड़क पे छीन लिए थे? हाँ
आप लोगों के लिए हथियार भी ले रहे थे? हाँ जी, हथियार भी दिखे थे तो कहीं आसी मार रहा खा रहे थे। आपके भी? नहीं जी, उनके मेरा मुंह लपेट के था। तुमने पैसे जो इनके पास थे तुमने अपनी जमा पूंजी में से कितना? क्या पूरा मामला है? ये थाना रमाला क्षेत्र में गांव असारा से एक व्यक्ति फारूक और उसकी पत्नी ने अभी थाने में सूचना दी है कि उनके साथ 6 लाख रुपए कुछ व्यक्तियों ने छीने हैं। जैसा कि इनसे प्रारंभिक बातचीत में पता चला है, दोनों के बयानों में और दोनों की बातचीत में भारी विरोधाभास है और बेहद संदेहास्पद इनके बयान हैं। इसके हम लोग जाँच कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू।